दोस्तों आज हूँ एक फिर नई वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं आज हज़रत खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ की आज जुमे की नमाज़ अदा की है सभी लोगों ने। और ये आप देख सकते हैं हर जुमा जुमेरात को जो यहाँ पर लंगर बनता है, ये हमारे भाई हैं जो लंगर यहाँ पर हर जुमेरात को और जुमे को सभी के लिए बनाते हैं। देखिए आज क्या बन रहा है चचा? मटर पुलाव बन रहा है भाई। आज मटर पुलाव बन रहा है और कभी हलवा, कभी कुछ सब्जी पूड़ी कुछ भी बनता रहता है। हमेशा जो है लंगर जो है सरकार के खजाने से बनता है, सरकार जो है बनवाते हैं सबके लिए। आम पब्लिक जो है हिंदू मुस्लिम सब आते हैं लेने के लिए और सब बैठ के खाते हैं बड़े आराम से। कोई ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं आते हों। और ये बार हमें जो है चलते चला आ रहे हैं। इधर पर कितने सालों से बना रहा है आप इधर? कम से कम मेरे अंदाज से करीब 20-25 सालों से मुझे हो गई इधर। नहीं लंगर कब से बना रहे हैं? लंगर तो करीब 20 साल करीब हो गई हैं। अच्छा हाँ, तो देखिए आप देख सकते हैं लंगर बन रहा है यहाँ पर। और जो भी हजरात यहाँ पर लंगर में हिस्सा लेना चाहता है तो वो यहाँ पर आए और उन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, लंगर में अपना जो भी देना चाहता है। और हज़रत खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ये लंगर चलता है हर जुमेरात को और जुमे को। और दोस्तों देखिए हमारे जब्बार बाबा भी यहाँ पर बेतहाशा मेहनत करते हैं हर जुमा जुमेरात को जो है लंगर बनाने में। इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है जब्बार बाबा का, सभी लोग इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या बनवा रहे हैं आज इसमें? आज मटर बिरयानी बनवा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, और कल क्या बनवाया था? कल खिचड़ा बना था भाई साहब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कल खिचड़ा ही बना था। और आगे क्या बनवाएंगे? अब एक महीना बंद रहेगा रमजानों में। रमजानों तक बंद रहेगा? हाँ। माशाल्लाह, ईद के बाद चालू होगा। ईद के बाद फिर से चालू हो जाएगा दोस्तों, रमजानों तक बंद रहेगा ये। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों जुमे के दिन भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती है। और अभी यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा की गई है यहाँ पर। दोस्तों जुमे की नमाज़ यहाँ पर अदा की जाती है जहाँ पर 1:15 पर अज़ान होती है और 1:15 पर जुमे का खुतबा होता है। तो आप जो भी हजरात झांसी से हों और हजरत खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर नमाज़ अदा करने चाहते हों जुमे की, तो वो 1 बजे तक दरगाह शरीफ पर आ सकते हैं। उनको 1:15 पर जुमे की नमाज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और जैसा कि आपको दोस्तों मालूम है कि दरगाह के करीब में ही एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है, लक्ष्मी ताल का, जो कि अब और भी अच्छा खूबसूरत बनता जा रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत कुछ काम यहाँ पर होता जा रहा है। दरगाह के करीब में ही यहाँ बगल से गार्डन भी अभी बनवा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर गार्डन बनेगा जहाँ पर लोग घूमने आएंगे और सामने का नज़ारा देखेंगे और वहीं दरगाह शरीफ की भी ज़ियारत करेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा रहेगा यहाँ का। ये देखिए दरगाह शरीफ का दरवाज़ा है, आपने कई बार देखा होगा। तबर्रुक की दुकानें वगैरह लगी हुई हैं और वजू बनाने का भी इंतज़ाम, माकूल इंतज़ाम है। पीने का पानी का माकूल इंतज़ाम है औरतों के लिए। यहाँ से अंदर दरगाह के बाजू से रास्ता है जाने का। माशाल्लाह, तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें और मोटिवेशन मिलता है आगे इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए। इसलिए वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।